भैया से मैं जानना चाहूँगा, भैया थोड़ा सा बताएंगे कौन सी जगह है ये? इस्कॉन गाठिया गुजरात का मोस्ट फेमस आइटम, गाठिया बेसन के आइटम मिलते हैं, सुबह का नाश्ता है। और ये एसजेवी पे अहमदाबाद का मोस्ट फेमस यूनिक आइटम और प्लेस है। और यहाँ पे हमारी साफ सफाई देखिए और हमारा आइटम देखिए और हमारा टेस्ट कीजिए और हमारा स्वाद पधारिए हमारे। जी अभी तो चाय पिया हूँ सर, बहुत ही शानदार लगा चाय। और भैया आप बताएं, यहाँ पर हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका रेस्टोरेंट कितना दिन से चल रहा है सर? क्या बोला? ये रेस्टोरेंट कितना दिन से चला रहे हैं? ये तो पूरा हमारा 12-15 साल हो गए। हाँ हाँ, ये नया नया ब्रांच हमारे अहमदाबाद में 10 ब्रांच है। अरे वाह, ये इस्कॉन गाठिया से नाम से। बहुत बढ़िया भैया, ये जो गाठिया का आइटम है वो हमारे अहमदाबाद में फेमस है। जी जी, एक चाय कितने का पिलाते हैं भैया? एक चाय कितने का पिलाते हैं? चाय 12 रुपया। 12 रुपया। और बड़ी वाली? बड़ी वाली 24 रुपये। बहुत ही शानदार चाय लगी भैया, बहुत ही शानदार। आप लोग के यहाँ साफ सफाई के मामले में तो सर, दोस्तों मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, अंदर में देखिए सभी कारीगर लोग हैं और ये हमारे भैया हैं। सुबह में आए तो यहाँ पे मस्त हम लोग चाय नाश्ता पानी किए और ये देखिए शानदार नज़ारा आप लोगों को देखने के मिलेगा। दोस्तों ये देखिए रेस्टोरेंट, साफ सफाई के मामले में अब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही बहुत शानदार बात है। ये देखिए हमारे साथी लोग हैं, ये हमारे सभी साथी लोग कारीगर हैं। जब भी कभी अहमदाबाद आना होगा तो आप लोग इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आइएगा मेरे दोस्तों। आप लोग सर ड्यूटी बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं ना, पब्लिक की सेवा बहुत तरीके से मेहमान की तरह। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है इन लोगों से मिल करके, कुछ भी बातें पूछे अपना पब्लिक लोगों को। सर देखिए बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी, दोस्तों कभी आप लोग अहमदाबाद आइएगा तो यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आइएगा और आकर के अपना नाश्ता पानी कीजिएगा। बहुत ही शानदार, साफ सफाई के मामले में तो कुछ पूछना ही नहीं है। देखिए कितना भैया बेहतरीन तरीके से इसको बना रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया, एक बार और बता दीजिए तो। बोलता है गाठिया। गाठिया, गाठिया, गाठिया। अच्छा, इसमें क्या क्या पड़ता है भैया? इसमें बेसन आता है, बेसन है, अजमा आता है। अच्छा अच्छा, मरी आता है, मरी आता है। अरे वाह, इसको क्या इसमें नमक और चटनी भी मिलाते हैं क्या? चटनी नहीं रहता, नमक रहता है। अच्छा अच्छा, नमक चटनी नहीं रहता। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही सुंदर लगा। देखिए यहाँ साफ सफाई के मामले में तो कुछ पूछना ही नहीं है। और आइटम देखिए सब लगा हुआ है, ये सब आइटम है। इसको क्या बोलते हैं भैया? ये पापड़ी है। और ये वाली? ये मेथी का गोटा है। ये तो जलेबी है सर, देखिए जलेबी के बारे में जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? फाफड़ा बोलते हैं। खाकरा, खाकरा, फाफड़ा, फाफड़ा, फाफड़ा। हाँ, ये बनेला अभी जो तू बना रहा था ना। हाँ हाँ, ये आइटम है। जस्ट ये अपना खमन है। खमन, खमन, खमन। जी जी, दोस्तों कभी भी आना हो अहमदाबाद में तो यहाँ पर जरूर आइएगा, बहुत ही शानदार जगह है। साफ सफाई के मामले में तो मैं कभी कलकत्ता में रहते हुए कल्पना नहीं किया था कि इतना साफ सफाई अहमदाबाद में मिलेगी, केवल सुना था, आज मैं वो देख पा रहा हूँ। ये सर देखिए कितना बेहतरीन बाथरूम है आपके, देख रहे हैं ना, ये आपको कलकत्ता और वेस्ट बंगाल में नहीं मिलेगी। बहुत ही शानदार नज़ारा है सर, देखिए ये स्टाफ लोग हैं, पब्लिक की सेवा देते हैं, बहुत ही मस्त हैं, बहुत ही शानदार। देखिए यहाँ पर चेयर नहीं लगा हुआ है भैया, चेयर नहीं लगा हुआ है, चेयर नहीं सर, खड़े, खड़े होकर के नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने। अरे वाह मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो साथियों यही है, खड़े होकर सभी लोग नाश्ता करते हैं। ये अंकल जी हैं, अपना रिपोर्टिंग दिए, बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए सभी लोग लगे हुए हैं मेरे साथी, और ये काउंटर है, यहाँ से स्लिप कटाते हैं और वहाँ पर जाते हैं तो पे करते हैं, यहाँ पर पैसा पे हो जाता है, उसके बाद से यहाँ पर आपका ये आपका देखिए प्राइस लिस्ट है, ये इंग्लिश में, ये इंग्लिश में है ना। और यहाँ काउंटर से पैसा जमा करके हम लोग स्लिप लेते हैं और इधर जो चाहिए उनको मिल जाता है। बहुत बढ़िया भैया। तो साथियों जब भी आना हो अहमदाबाद तो एक बार आप लोग ज़रूर इस रेस्टोरेंट में आइएगा, बहुत आनंद आएगा आप लोगों को मिल करके और देख करके।
और टेस्ट करके। यह हमारी श्रीमती जी हैं, कार्नर में खड़ी हैं, हैं और हम दोनों हस्बैंड और वाइफ अहमदाबाद घूम रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग घोड़ा सिटी निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पड़ता है और ढोलरा जाएंगे तो आपको यहाँ एक स्टॉपेज हम लोग का, जो सारी व्यवस्था ए टू जेड है, हर चीज़ वर्ल्ड क्लास है और देखने के बाद और घूमने के बाद आपको भी फील होगा। धन्यवाद। तो सर जिस गाड़ी से हम लोग आए हैं बहुत ही शानदार रोड बना है और इतना सारा ये अपॉइंटमेंट सब जो बना हुआ है, इतनी गाड़ियाँ लग रही है, ये सब यहाँ सब ढोलरा जाएंगे क्या घूमने के लिए? हाँ लगभग सब जाएंगे वहीं घूमने। अच्छा अच्छा, तो बीच में ढोलरा जाएंगे। अच्छा अच्छा, वर्ल्ड का सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी बन रही है, सारे लोग घूमने वाले ढोलरा घूम रहे हैं। बहुत ही शानदार लग रहा है। संतोष भैया हमारे साथ ही आज अहमदाबाद इनके साथ में मैं घूमने आया हूं और इनके घर पे मैं 2-3 घंटा हट किया, नाश्ता पानी करके भैया के साथ में हम लोग ढोलरा सिटी के लिए निकल पड़े हैं और यहाँ चाय पानी पियेंगे। चाय पानी पी करके अपना घूमने चलेंगे, ढोलरा सिटी घूम करके फिर यहाँ आएंगे, हट करेंगे, फिर यहाँ से फिर निकलेंगे। ओके। हमारी श्रीमती जी आ रही हैं। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। इसके बाद कहाँ जाएंगे आप यहाँ से? ढोलरा सिटी। ढोलरा सिटी को मैंने आए हैं। चलिए ठीक, बहुत ही शानदार। अहमदाबाद में ढोलरा सिटी लगभग 100 किलोमीटर दूर पर मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। का अभी एक तो टेलर है, हैं अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। हैं काफ़ी दिनों से मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं ढोलरा सिटी एक बार घूमूं। उसका इधर देखो, ये मेरी श्रीमती जी हैं, आई हैं ढोलरा सिटी घूमने मेरे साथ। हैं तो सोचा चलो घूम लेते हैं फिर दोस्तों। ये अंधार सिटी का नज़ारा ये देखिए, सामने से मस्त रोड, ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा। मुस्कान थोड़ा सा आओ साथ में, इधर आ जाना, इधर आओ थोड़ा सा मेरे साथ में, तो वीडियो में तो बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार भैया। अभी हम लोग दोनों जन आए हुए हैं ढोलरा सिटी घूमने के लिए और गुजरात सिटी भी घूमेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है भाई दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलें, ये उधर